सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय कॉफ सिल्स किल्स 99.9% जर्म्स। आम खराश की गोलियां बैक्टीरिया और वायरस को नहीं मारती, लेकिन कॉफ सिल्स गले के 99.9% जर्म्स को मारता है। कॉफ सिल्स। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। यह है हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद कॉफसिल्स, जो मारे 99.9% जर्म्स। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ठंड के मौसम में आपको खांसी जुकाम ज्यादा क्यों होता है और इससे निपटने के लिए क्या करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, स्लिप डिस्क को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी आज दूर करते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, ठंड के मौसम में जंक फूड खाने का इतना मन क्यों करता है। रितेश, जीनत, निहारिका, वसुंधरा, कमलेश और पारिक, ये कुछ उन लोगों के नाम हैं जो ललन टॉप के व्यूअर्स हैं और उन्होंने हमें मेल किया है एक कॉमन परेशानी के साथ। अब क्या है वो परेशानी? इन सब का एक ही सवाल था, हमें इस मौसम में सर्दी जुकाम बार बार क्यों होता है। ऊपर से कोरोना का समय चल रहा है, जिसके लक्षण भी खांसी जुकाम भी है। तो अगर कोरोना नहीं भी है और सर्दी जुकाम हो गया तो डर के मारे जान निकल जाती है, डर लगता है कि ये लो हो गया कोरोना। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि हम उन्हें सर्दी जुकाम से बचे रहने के उपाय बताएं। बात तो सही है, ठंड आते ही खांसी जुकाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब बचाव तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले कॉमन कोल्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मालूम कर लेते हैं, साथ ही ये भी पता करते हैं कि ये दिक्कत ठंड में क्यों बढ़ जाती है। सर्दी जुकाम आमतौर पर एक वायरस इन्फेक्शन है, ज्यादातर ये वायरस से ही होता है, कुछ केसेस में बैक्टीरिया से भी हो सकता है। सर्दी जुकाम में मरीज को जो लक्षण आते हैं, जैसे कि मरीज बोलता है कि उसकी नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, गला खराब है, तो मरीज इस तरह के लक्षण बताता है, या हल्की खांसी भी मरीज को हो सकती है। कॉमन वायरस जो सर्दी जुकाम करता है, राइनो वायरस है, और दूसरे कई वायरस भी यह सर्दी जुकाम के लक्षण लेके आ सकते हैं। मुख्यतः सर्दी जुकाम जब मरीज को होता है तो उसकी नाक और नाक के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो यह गले तक, सांस की अंदर की नलियों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। मरीज को यह इन्फेक्शन एक से दूसरे मरीज के संक्रमण से फैलता है। जिस तरह जो मरीज को यह संक्रमण है या लक्षण आ रहे हैं, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा में जाने पर, दूसरे मरीज के इनहेल करने पर जब वो सांस लेता है तो उसको कैच कर सकता है और उसको भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड सर्फेसेस हैं, जैसे छींकने खांसने के बाद जो सिक्रीशंस है अगर सर्फेसेस पे लग जाते हैं, तो उस पे अगर कोई दूसरा आदमी टच करता है और फिर वो नाक या मुंह के आसपास के एरिया को वो इन्फेक्टेड हैंड्स को टच करता है, हाथों को टच करता है, तो फिर उसको भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। असल में हम सर्दियों में ज़्यादातर लोग पास रहते हैं, घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, एक ब्लैंकेट कई लोग बार बार यूज करते हैं, कपड़े भी ज़्यादातर हम जल्दी वॉश नहीं करते। उसके अलावा देखा गया है सर्दियों में यह वायरस कम ह्यूमिडिटी वाले एरिया में ज़्यादा रहने लगता है। अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अंदर, घर के अंदर इंडोर एरिया में ह्यूमिडिटी कम होना, टेम्परेचर कम होना उसके लिए फेवरेबल है। और ज़्यादातर लोग पंखे का, और ज़्यादा खिड़कियाँ भी बंद रखते हैं, पंखा भी अक्सर बंद रखते हैं, जिसकी वजह से यह एयर में भी ज़्यादा देर तक सस्पेंड कर पाता है यह वायरस, जिसकी वजह से भी इसके लिए संक्रमण करना आसान हो जाता है। सर्दी के दिनों में हमारे जो नाक के अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की जो नसें हैं, वो अक्सर सिकड़ी हुई रहती है ठंड की वजह से, और सिकड़े हुए रहने के कारण वहाँ पर उतना वार्मनेस नहीं रहता है, ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण के वायरस के प्रति वो इतना प्रतिरोधक क्षमता नहीं पैदा कर पाता है हमारे नाक के अंदर का सरफेस। इसके साथ ये भी देखा गया है सर्दी के दिनों में हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं, धूप में हम ज़्यादा नहीं जा पाते या धूप कम होती है, तो उसके कारण हमारे शरीर में विटामिन डी भी कम बन पाता है, और कम विटामिन डी होने के कारण, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर भी है, हमारे को वायरस के इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो कॉमन कोल्ड है सर्दियों में ज़्यादा हो सकता है आपको। कारण आपको पता चल गए, अब सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, इससे बचे कैसे और इसका इलाज क्या है।
असल में जैसा कि ये इन्फेक्शन ज़्यादातर संक्रमण से फैलता है, तो हमें जो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहना चाहिए। अननेसेसरी हमें भीड़ से बचना चाहिए, अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में ना जाएं, या फिर घर में कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं तो थोड़ा हल्की दूरी बना के रखेंगे तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन भी कम फैलेगा। और अगर पॉसिबल है तो अगर धूप निकली है तो सर्दियों में धूप में निकले, खुली हवा में भी जाएं, साथ में खिड़कियां अगर पॉसिबल है तो घर की खिड़कियां खोलनी चाहिए जिसकी वजह से कि घर में वेंटिलेशन अच्छा हो जाए। हाथ को बार बार धोइए, अगर आप कहीं बाहर से आते हैं या कुछ किसी और चीज़ों से टच होते हैं जिनसे संक्रमण हो सकता है, जैसे अगर कोई चीज़ जिसमें किस संक्रमित व्यक्ति ने किसी को टच किया है और वहाँ पर सरफेस को आप भी टच करते हैं तो आपको भी हो सकता है, तो आप बार बार हाथ धोइए। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको एक भीड़ के एरिया से जाना पड़ता है, कोई भी आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, तो आप फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं कॉमन कोल्ड से बचने के लिए। उसके अलावा अगर सर्दियों का सीजन ज़्यादा है तो अगर आपको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप ज़रूर गर्म कपड़े पहने, अगर हम ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो ब्लड वेसल हमारी कंस्ट्रिक्ट रहेंगी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से, जिससे कि हमारे जो अंदर सरफेस है वो कम प्रोटेक्टिव रहेगा। सर्दियों में कोशिश करें कि आप कपड़े अपने बार बार धोकर ही पहने, क्योंकि देखा गया है कि सर्दियों में हम एक कपड़ा कई कई दिन तक पहनते रहते, उससे भी एक बार इन्फेक्ट होने के बाद वो बार बार ही इन्फेक्शन फैलने का, या दूसरे से इन्फेक्शन आए हुए कपड़ों में अगर ज़्यादा देर तक वायरस रहेगा तो भी आपको ज़्यादा चांस है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन हो। और उसके अलावा आप ब्लैंकेट्स और ये सब भी साफ सुथरे रखें, कोशिश करें कि अननेसेसरी कई लोग एक साथ ब्लैंकेट या फिर रजाई का यूज ना करें। ज़्यादातर कॉमन कोल्ड कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन अगर मरीज को ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं कफ एंड कोल्ड के, जैसे कि उसको तेज बुखार आ रहा है, गले में ज़्यादा खराश है, गला चोक हो रहा है, नाक जाम हो रही है, जैसे सिक्रीशन नाक से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, छींके बहुत ज़्यादा हैं, या फिर खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मरीज इन सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जैसा आपके लक्षण होंगे, जैसे आपको बुखार है तो आप बुखार की दवाई ले सकते हैं, ज़्यादा खराश है तो एंटी एलर्जिक्स मेडिसिन भी इसमें हेल्प करती है, खांसी में भी हेल्प करेगी। अगर खांसी है तो कफ सिरप भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपकी नाक बंद है या नाक से ज़्यादा पानी आ रहे हैं तो नेजल ड्रॉप और स्प्रे भी मार्केट में उपलब्ध है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको मिलेंगे और आप नाक में डालने से उसके बाद आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। एंटीबायोटिक, इसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगता है कि आपके सिम्टम ज़्यादा है या फिर आपके डॉक्टर आपको चेक करके ये देखते हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें, तो फिर वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आने वाली हैं, और इस मौसम में अपना खूब ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। स्लिप डिस्क, ये दो शब्द आपने अपने जीवन में बहुत बार सुने होंगे। देखिए, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है इसे सुनकर के उनकी जो डिस्क है वो अपनी जगह से खिसक गई है, जिस कारण उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है। दरअसल स्लिप डिस्क में स्लिप शब्द है तो ज़रूर, पर इसमें कुछ भी अपनी जगह से स्लिप नहीं करता है। ये दिक्कत बहुत अलग कारण से होती है। देखिए, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में होते हैं 24 वर्टिब्रे, यानी वो छोटी छोटी हड्डियाँ जो आपकी रीढ़ की हड्डी बनाती हैं, ये आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं। इनको एक दूसरे के संपर्क में आने से रोकने का काम करती है डिस्क। ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। अब ये डिस्क अंदर से नरम होती है और बाहर से इसके ऊपर जो है एक कोटिंग होती है, मतलब जितनी भी डिस्क हैं सबके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे कहते हैं फाइब्रस कोटिंग। कभी कभी ये कोटिंग घिस जाती है और अंदर का जो नरम मटीरियल होता है वो बाहर आ जाता है। अब ये बहुत दर्दनाक होता है और इसी कंडीशन को कहते हैं स्लिप डिस्क। ये जो डिस्क होती हैं वो बहुत मजबूती से वर्टिब्रे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए उनके स्लिप होने का कोई भी चांस नहीं होता है, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड के मौसम में कार्बोहाइड्रेट खाने का बहुत मन करता है, जैसे चिप्स, ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्रीज, मतलब खूब सारा जंक फूड। दरअसल होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आपके शरीर में उतना ज़्यादा सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है, और ये हार्मोन आपकी ब्रेन को खुशी महसूस करवाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप खुश हैं और आपको और ज़्यादा खाने का मन करता है।
पर ज़्यादा कार्ब्स आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ना ही सिर्फ इससे आपको वेट गेन होता है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पर सारे कार्ब्स बुरे नहीं होते हैं, गुड कार्ब्स भी होते हैं, इसलिए गुड कार्ब्स खाइए और उसको लीजिए साथ में प्रोटीन के साथ। जैसे आप खा सकते हैं नट्स, सीड्स और फल, ये ज़्यादा हेल्दी है। एक ज़रूरी बात, ठंड में होने वाली आपकी सारी परेशानियों का हल जानेंगे सेहत के विंटर स्पेशल सीरीज में 18 दिसंबर तक रोज। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है विभव। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।